गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल NSE ऑनलाइन क्लासेस। आज 17 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए और लोगों को वीडियो ज़रूर शेयर करते रहिएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, NSE की तरफ से बुक लॉन्च किया गया है क्वांट इनसाइट ब्रेन टॉनिक रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन का, जहाँ पर आपको मैक्सिमम छूट दी जा रही है। आपको 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और ये बुक की अगर खासियत बताए, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में दिया गया है। चल रहा है, चलिए बहुत अच्छा। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में दिया जा रहा है। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो मैथ्स, डेटा इंटरप्रिटेशन और ब्रेन टॉनिक और रीजनिंग जितने भी सॉल्यूशन दिए गए हैं स्ट्रिक्ट में बताए गए हैं। पूरा डिटेल सॉल्यूशन के साथ ट्रिकी मेथड भी अपनाया गया है ताकि स्टूडेंट फास्ट सॉल्व कर सके एग्जाम में। तो आइए इसी के साथ अगले सवाल और अगले स्लाइड्स पे चलते हैं हम लोग। और ये देखिए आज का थॉट, आज का विचार क्या है, ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। अगर अभी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो निराश नहीं होना है, अगले एग्जाम में आपका सिलेक्शन जरूर होने जा रहा है। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतवार करो। अपने रब पे भरोसा रखिए, अपने समय पे भरोसा रखिए और सबसे बड़ी बात है अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। और कहते हैं ना कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो मंजिल कैसे नहीं मिलेगी, उसको तो आना ही है और उसको मिलना ही है आपको। तो चलिए इसी थॉट के साथ आज का सवाल देखते हैं कि आज का पहला सवाल क्या है। और ये देखिए आज का पहला सवाल है आपके लिए। गुड इवनिंग सभी को, सौरभ, विद्या, आकाश, प्रियंका, नीतू, काजल, सनी ठाकुर, सपना, सोनी, अनुपम, सौरभ, गुड इवनिंग। वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, सभी लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए। बहुत अच्छा, चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। देखिए मोनू, इमरान, सोनी कुमारी, ठीक है, देवाशीष कुमार चौधरी, चलिए देखते हैं। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, किस तारीख को मनाया जाता है विश्व दूरसंचार और सूचना दिवस, किस तारीख को मनाते हैं, विच डेट क्या है। अद्वैत पाठक, गुड इवनिंग। आइए देखते हैं 17 मई आज के दिन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 17 मई को सेलिब्रेट किया जाता है ये डेट। इसी के साथ एक और डेट याद रखिएगा, एक और डे याद रखिएगा, आज ही के दिन मनाया जाता है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है आज ही के दिन, 17 मई को ही मनाया जाता है। इस वजह से दो डेट आप याद रखिएगा, रुपेश कुमार, राहुल, सोनी, सनी, विद्या, अनुपम, ज्योति, ठीक है, वेरी गुड, सही जवाब है सबका। तो आइए थोड़ा प्रीवियस डेट रिवाइज कर लिया जाए। ऑप्शन में जो जो है 16 मई 16 मई को नेशनल डेंगू डे मनाया गया है आपका 16 मई को। 15 मई को बताइए, 15 मई को क्या मनाया गया था, 15 मई इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया गया है आपका, कितना तारीख को, 15 मई को मनाया गया था। तो ये सारे डेट्स देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, याद कीजिएगा इसको। चलिए बहुत अच्छा, ज्योति, प्रियंका, सपन, सोनी, प्रियंका, काजल, मोनू, ठीक है, वेरी गुड। आइए देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए आज का अगला सवाल क्या है, किस राज्य में पहली बार मछली की एक दुर्लभ प्रजाति मगरमच्छ गार की खोज की गई है। तो बताया जा रहा है कि क्रोकोडाइल गार, अ रेयर स्पीसीज ऑफ फिश, हैज बीन डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच स्टेट। पहली बार किस राज्य में एक क्रोकोडाइल गार, जो कि एक स्पीसीज है, तो ये पाया गया है। तो बताइए किस राज्य में पाया गया है, किस राज्य में पाया गया है। प्रियंका, ज्योति, सोनी, मोनू, नीतू, ठीक है, प्रियंका, काजल, विद्या, राहुल, सही जवाब है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए।
ठीक है। और ये इसके बारे में अगर बताए ना, तो ये मछली का एक मगर मतलब ये एक मछली है जिसका सर जो है ना वो मगरमच्छ के जैसा है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है क्रोकोडाइल गार, क्रोकोडाइल गार रखा गया। चलिए आंसर भी आ रहा है, कौन सा स्टेट, अभी भी नहीं आया, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जम्मू कश्मीर में ये प्रजाति पाई गई है, याद रखिएगा क्रोकोडाइल गार। चलिए बहुत अच्छा, गुड इवनिंग शीतल, गुड इवनिंग शीतल, अपने ग्रुप को वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि आपके ग्रुप के भी लोग सारे लोग जुड़ जाए क्लास में। और ये देखिए अगर बात करें जम्मू कश्मीर के कहाँ पे, कहीं तो पाया गया होगा किसी लेक में, तो कौन सा लेक है जम्मू कश्मीर का, डल लेक, जम्मू कश्मीर का डल लेक में पाया गया है ये, ठीक है, डल लेक। चलिए बहुत अच्छा, सही जवाब है। मछली की बात आती है तो मछली से आपको याद होगा कि वर्ल्ड टूना डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड टूना डे किस तारीख को, ये भी एक तरह का मछली का ही प्रजाति है टूना, ठीक है, उसके बच्चे को बोला जाता है, तो वर्ल्ड टूना डे किस तारीख को मनाते हैं, किस तारीख को, सेकेंड ऑफ मे, सेकेंड ऑफ मे को मनाया जाता है वर्ल्ड टूना डे, ठीक है। तो इसी से याद आता होगा कि कुछ दिन पहले फिश म्यूजियम बनना स्टार्ट हुआ है, फिश म्यूजियम, मछली संग्रहालय, बताइए फिश म्यूजियम कहाँ बनेगा, फिश म्यूजियम बनाया जा रहा है, भारत का पहला फिश म्यूजियम कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये बनाया जा रहा है फिश म्यूजियम को, याद रखिएगा, ठीक है। काजल, सौरभ, अनुपम, प्रियंका, सोनी, शीतल, नीतू, बबलू, सौरभ, चलिए बहुत अच्छा, सही है। तो फिर से याद होगा कि एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था, ई फिश वाले एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था फिश मार्केट के लिए, तो ई फिश वाले कहाँ लॉन्च किया गया था, किस राज्य में, असम में, कहाँ पे, असम में लॉन्च किया गया था ई फिश वाले एक मार्केट एप्लीकेशन था, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा, सही जवाब है। तो अभी याद होगा कि किसी राज्य ने अपना स्टेट मछली घोषित किया था, कौन सी राज्य, सिक्किम ने, सिक्किम ने अभी अपना राष्ट्र मछली घोषित किया था, कौन सा, सिक्किम ने, कहाँ का नाम है। यहीं से अगर हम लोग बात करें तो अभी हाल ही में डल लेक की बात हुई है, तो डल लेक से याद होगा कि डल लेक में एक तैरता हुआ एटीएम स्टार्ट किया गया था, तो कौन सी बैंक ने तैरता हुआ एटीएम स्टार्ट किया था डल लेक में, तो वो था SBI, ठीक है, याद रखिएगा बैंक का नाम अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये है SBI। चलिए बहुत अच्छा। और देश का पहला फ्लोटिंग थिएटर ये भी डल लेक में ही स्टार्ट किया गया है, तो ये सारी बातें आपको इससे रिलेटेड हो गई। तो डल लेक, आपको एक बड़ा प्यारा स्टैटिक का सवाल है डल लेक से कि डल लेक को कुछ और भी कहा जाता है, डल लेक को श्रीनगर का गहना कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, और यहीं से कश्मीर का मुकुट भी कहा जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके लिए, आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। गुड इवनिंग, थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम था, वो कट गया था, तो वहीं से हम लोग रीस्टार्ट किए हैं, वापस से सभी लोग जुड़ जाइए। आइए देखते हैं ये अगला सवाल क्या है। माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं, हु बिकम द सेकंड पर्सन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट 26 टाइम्स, 26 बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट का फतह किया है, तो बताइए ऐसा करने वाले ये दूसरे व्यक्ति बन गए, उनका नाम क्या है, उनका नाम क्या है। प्रियंका, विद्या, थोड़ा वीडियो को शेयर कर दे, सभी लोग अपने अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दे, सभी लोग अपने अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दे। और ये देखिए इसका नाम है पासंग दवा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, पासंग दवा शेरपा, पूरा नाम है पासंग दवा शेरपा, जो कि दूसरे पर्सन बने। तो देखिए हम बार बार बोल रहे हैं ये दूसरे पर्सन है, दूसरे, तो पहले कौन है, सवाल मन में आ रहा होगा कि आखिर ये तो दूसरे हैं, ठीक है पढ़ लिए अभी, बट पहले कौन है वो भी पता रखना जरूरी है, पहले कौन है, कौन लिखेगा कि पहले कौन थे, किसने, कौन लिखेगा, कामिरिता शेरपा, ठीक है, कामिरिता शेरपा, ये पहले थे जिन्होंने 26 बार माउंट एवरेस्ट की फतह किया था, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्रियंका, पूजा सिंह, विद्या, अनुपम,
सही जवाब है। यहीं से अगर हम लोग बात करें, माउंट एवरेस्ट बोल रहे हैं तो माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है, माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है, हाइट हाइट जल्दी लिखिए। 8848 पॉइंट बढ़ा था इसी से कुछ साल पहले, एक साल पहले बताया गया था कि कुछ बढ़ा है, बताइए कितना से, 0.86 से बढ़ा था, ठीक है 0.86 बढ़ा था। चलिए बहुत अच्छा, 8848.86 मीटर ये है आपका ऊंचाई माउंट एवरेस्ट का, बहुत अच्छा। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किसी और नाम से जाना जाता है, क्या आप जानते हैं किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा कहते हैं, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। चलिए बहुत अच्छा, सही जवाब है। तो देखिए माउंट एवरेस्ट डे कब मनाते हैं, माउंट एवरेस्ट डे कब मनाते हैं, उस डेट से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। और अभी तो एमटीएस और का एग्जाम चल रहा है ना, इसमें तो ये सारे सवाल आते ही हैं। बताइए माउंट एवरेस्ट डे कब मनाते हैं, किस तारीख को, 29th of May इसी महीने है, देखिए और माउंट एवरेस्ट से सवाल आ गया, आपको इजी होगा याद करने में, 29 मई को माउंट एवरेस्ट डे मनाते हैं। और अगर बात करें स्टैटिक सवाल की यहाँ से, तो 29 मई 1953 में क्या हुआ था कि न्यूजीलैंड के एक एडमंड हिलरी और एक तेंजिंग नॉर्वे, ये दोनों पहली बार इस पे चढ़ाई किए थे, इसी वजह से इस डेट को माउंट एवरेस्ट डे के नाम से जाना जाता है। तो इस वजह से भी ये डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। विनीतू, सपना, प्रियंका, काजल, नूर नज़ार, ठीक है, ज्योति, थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए सभी लोग अपने अपने ग्रुप में, क्योंकि पहला वीडियो थोड़ा सा नेटवर्क एरर की वजह से कट गया था, तो फिर से हम लोग स्टार्ट किए हैं। चलिए बहुत अच्छा, सही जवाब है। तो देखिए यहाँ पे कुछ और नाम है, बचिंद्री पाल माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहली महिला बनी थी, ठीक है, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहली महिला बनी थी बचिंद्री पाल। यहाँ से अरुणिमा सिन्हा पहली दिव्यांग महिला थी भारत की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की फतह किया था, ठीक है, पहली दिव्यांग महिला अरुणिमा सिंह। और अर्जुन बाजपाई नेपाल में एक जो माउंट एवरेस्ट है जिसका नाम है माउंट अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में, और दसवां सबसे, बात करेगा रैंकिंग के हिसाब से तो दसवां सबसे ऊंचा माउंटेन है माउंट अन्नपूर्णा। तो इसमें इन्होंने चढ़ाई करने वाले ये पहले पर्सन बने थे, कौन, अर्जुन बाजपाई, तो ये नाम आप याद रखिएगा। नीतू, सौरभ, अनुपम, ज्योति, प्रियंका, सपना, सही है, चलिए बहुत अच्छा, सही जवाब है। तो ये माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। और एक नाम आपको याद और आता होगा, कुछ दिन पहले याद आएगा, प्याली का नाम आपने सुना होगा, प्याली बसक का नाम, क्यों, क्योंकि बिना ऑक्सीजन सपोर्ट पे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहली महिला बनी थी बिना ऑक्सीजन के सपोर्ट के, तो इस वजह से इनका भी नाम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था। चलिए बहुत अच्छा, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए सभी लोग। और ये देखिए किस कोई फेस्टिवल है, ये कौन सा, दंड जात्रा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, दंड जात्रा फेस्टिवल किस राज्य में मनाते हैं, बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर कीजिए। विद्या भारती, काजल, रमेश, प्रियंका, मनोज, सपन आंसर नहीं कर रहे हैं, कहीं और बिजी है लग रहा है, अनुपम, प्रियंका, मनोज, ठीक है, काजल, विद्या, मोनू, उड़ीसा, ठीक है, इतना देर में, चलिए सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये है उड़ीसा सरकार के द्वारा ये मनाया जाता है ये फेस्टिवल, जिसका नाम है दंड जात्रा फेस्टिवल। चलिए सही जवाब है। तो उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा में और भी तो फेस्टिवल मनाया जाता होगा, तो आइए थोड़ा सा देखें, बाली जात्रा ये कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में ही मनाया जाता है बाली जात्रा से, याद है नौखाई फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है, ये भी उड़ीसा में ही मनाया जाता है। यहीं से अगर बात करें राजा पर्व, ये सब बड़ा फेमस है, हमेशा आप नाम सुनते होंगे ये सारे चीज़ों का, राजा पर्व ये भी उड़ीसा सरकार के द्वारा मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है। इसी तरह से छाऊ महोत्सव,
ठीक है। छाऊ महोत्सव ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है, एक शीतल षष्ठी फेस्टिवल होता है, शीतल षष्ठी फेस्टिवल ये भी उड़ीसा में ही मनाया जाता है। तो ये कुछ उड़ीसा में इम्पोर्टेंट थे जो कि आप मनाया जाता है ये सारा चीज़। ठीक है सोनू, गुड इवनिंग। सपना, मनोज, प्रियंका, ठीक है सही जवाब है सबका। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि रीसेटलमेंट कॉलोनी, ठीक है रीसेटलमेंट कॉलोनी बनाया जा रहा है। कहाँ पे? उड़ीसा में बनाया जा रहा है। उसी तरह से उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा से एक याद आता होगा गंजम, गंजम जिला जो है उड़ीसा का बेस्ट पंचायत जिला बना था। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? गंजम। गंजम जिला उड़ीसा का बेस्ट पंचायत जिला बना था, तो इस वजह से ये नाम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। बात आ गई लद्दाख, लद्दाख यहाँ पे आप देख रहे हैं तो लद्दाख में भी तो फेस्टिवल मनते हैं ना। तो लद्दाख में बताइए अभी हाल ही में एक फेस्टिवल बनाया गया था, कौन सा फेस्टिवल? मोन लाम चेनो फेस्टिवल। वैसे तो बहुत सारे फेस्टिवल है बट अभी लेटेस्ट में जो मनाया गया था उसकी बात हम कर रहे हैं, मोन लेमो चेमो फेस्टिवल। आसाम की बात करें, आसाम में अभी हाल ही में गज उत्सव मनाया गया था। कहाँ पर? असम में मनाया गया था। यहीं से बात करें झारखंड में सरहुल मनाया जाता है, ठीक है झारखंड में सरहुल मनाया जाता है। तो ये सारी बात याद रखिएगा। उड़ीसा का गंजम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात किया हम लोगों ने कि बेस्ट पंचायत का दर्जा मिला था, सही है, लेकिन अब ये नंबर वन पुलिस स्टेशन, किस पुलिस स्टेशन को बताया गया है? नंबर वन पुलिस स्टेशन का दर्जा उड़ीसा का ही पुलिस स्टेशन को दिया गया है और उस पुलिस स्टेशन का नाम है आस्था पुलिस स्टेशन। ठीक है, आस्था पुलिस स्टेशन जो कि नंबर वन पुलिस स्टेशन बना है और ये भी गंजम डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो यहाँ से आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं ये भी कहाँ है, गंजम डिस्ट्रिक्ट में ही है और गंजम डिस्ट्रिक्ट पंचायत को बेस्ट पंचायत का अवार्ड भी दिया गया है। तो ये सारी बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। बहुत अच्छा, सही है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। इसी तरह से उड़ीसा में धानु यात्रा भी एक मनाया जाता है और उड़ीसा का एक पहाड़ को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। तो बता सकते हैं कौन से पहाड़ को? गंधमर्धन पहाड़, ठीक है गंधमर्धन पहाड़ को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज में शामिल किया गया है और ऐसा कहा जाता है कि इसको आयुर्वेदा का स्वर्ग भी कहा जाता है, आयुर्वेदा का स्वर्ग भी कहा जाता है गंधमर्धन के पहाड़ों को जो कि कहाँ है? उड़ीसा में। तो ये आपके देखिए करंट के साथ स्टैटिक सवाल ऐसे ही आपके एग्जाम में आते हैं और आपको लगता है सवाल तो यार स्टैटिक आ गया, आंसर नहीं आ रहा था, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अभी राज्य इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में आया तो इससे रिलेटेड यही सारे सवाल आपके बनते हैं आने वाले एग्जाम में, तो इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए बहुत अच्छा, सही जवाब है। तो उड़ीसा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उड़ीसा कैपिटल क्या होता है? भुवनेश्वर, आपको पता है। और उड़ीसा से अगर बात करें तो उड़ीसा में भुवनेश्वर में एक मंदिर है बहुत फेमस, कौन सा? लिंगराज मंदिर, ठीक है लिंगराज मंदिर कहाँ मिलेगा आपको? भुवनेश्वर में। और इसका जो उड़ीसा का अभी तो कैपिटल भुवनेश्वर है लेकिन पहले क्या था कटक था इसका कैपिटल उड़ीसा का। और कटक किस नदी के किनारे है? महानदी के किनारे है कटक शहर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार अक्सर पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। काजल, सपना, प्रियंका, सौरभ, सही जवाब है। और उड़ीसा में तो चेस एकेडमी खुल रहा है, फायर पार्क, इंडिया का पहला फायर पार्क भी उड़ीसा भुवनेश्वर में ही खुल रहा है। इंटर कॉन्टिनेंटल वर्ल्ड कप होने वाला है फुटबॉल कप 2023 का, ये कहाँ होगा? उड़ीसा में ही होगा। और उड़ीसा के सीएम कौन है? बहुत टफ सवाल होगा आपके लिए, उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है वहाँ के? गणेशी लाल, ठीक है गणेशी लाल। चलिए बहुत अच्छा, तो देखिए उड़ीसा में कोणार्क सन टेम्पल है ना, कोणार्क सन टेम्पल, तो कोणार्क सन टेम्पल को क्या कहा जाता है? ब्लैक पगोड़ा टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा टेम्पल कहा जाता है, तो व्हाइट पगोड़ा टेम्पल किसको कहा जाता है? तो व्हाइट पगोड़ा टेम्पल जगन्नाथ मंदिर को कहा जाता है। तो ये दोनों पॉइंट्स भी स्टैटिक के सवाल थे क्योंकि न्यूज़ में आ गए इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया, इसे भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। और
और ये देखिए आज का अगला सवाल है, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया वन इन द ISSF वर्ल्ड कप हेल्ड इन बाकू अजरबैजान। अभी जो है अभी बताना कितना मेडल भारत ने जीता इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में, कहाँ हुआ, वेन्यू क्या था, वेन्यू ये भी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन में बहुत सारे सवाल छिपे होते हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ पे हुआ, तो बाकू अजरबैजान में हुआ है। और भारत ने कितना मेडल जीत लिया, भारत ने कितना मेडल जीत लिया बताइए जल्दी से, अद्वैत, मनोज, अनुपम, प्रियंका, विद्या, नीतू, चार मेडल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इंडिया ने चार मेडल जीता है, ठीक है, चार, जिसमें से एक गोल्ड है, दो सिल्वर और दो ब्रोंज मेडल, सॉरी एक गोल्ड एक सिल्वर और दो ब्रोंज मेडल जीता है इसने, ठीक है, दो ब्रोंज मेडल। और अगर बात करें ना कि रैंकिंग में भारत का स्थान, तो रैंकिंग में इंडिया सेकेंड पे है, तो टॉप पे चाइना है, टॉप पे चाइना है, मेडल टैली में चाइना टॉप पे है। चलिए बहुत अच्छा, ज्योति, सोनी, प्रियंका, थोड़ा वीडियो को शेयर भी कीजिए, अभी भी बहुत सारे लोग नहीं जुड़े हैं, थोड़ा वीडियो को सभी लोग शेयर कीजिए। प्रियंका शर्मा, चलिए देखते हैं, यही लोग बात करें तो गोल्ड मेडल तो एक ही है, एक गोल्ड है, एक का तो नाम आप याद कर ही सकते हैं क्योंकि गोल्ड जीता है इसने। तो गोल्ड की बात करें तो मिक्स्ड में गोल्ड आया है, 10 मीटर पिस्टल में गोल्ड जीता गया है, दो लोग हैं मिक्स में, तो बताइए दोनों का नाम क्या है, दोनों का नाम क्या है, सरबजोत सिंह, सरबजोत सिंह, और दूसरे कौन है, क्योंकि इन्होंने मिक्स में एक साथ खेल के जीता है गोल्ड, तो सरबजोत और दिव्या, सरबजोत और दिव्या, ये दोनों ने कौन सा गोल्ड मेडल जीता है, याद रखिएगा, सरबजोत से नाम आपको याद आता होगा क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सरबजोत का नाम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था, किस लिए, किस लिए, क्योंकि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड कप हुआ था कहाँ पे, ये भोपाल मध्य प्रदेश में ये ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें भारत इसमें भी मेडल टैली पे सेकेंड नंबर पे था, इंडिया जो है सेकेंड नंबर पे था, और टोटल मेडल इसमें कितना जीता गया था, टोटल मेडल इसमें कितना जीता गया था, भारत ने कितना मेडल जीता था, 7 मेडल, जिसमें एक गोल्ड एक सिल्वर और 5 ब्रोंज मेडल जीता था, और जो एक गोल्ड जीता गया था ना, ये सरबजोत सिंह ने ही जीता था, ठीक है, सरबजोत सिंह ने ही जीता था, इस वजह से मैंने कहा ये पहले भी न्यूज़ में आ चुके हैं ये नाम। तो पता है आपको एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, हो सकता है अगर इसमें टफ करना चाहे तो पूछा जाएगा सरबजोत सिंह किस गेम से रिलेटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए, तो ये बात याद रखिएगा। चलिए बहुत अच्छा, सही जवाब है, तो जल्दी से बता दीजिए इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, जल्दी से, मुनिक जर्मनी, क्या है, मुनिक जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले एक सवाल की तरफ, बताना है विच कंट्री हैज गिवन लीगल रिकॉग्निशन टू एयूथानेसिया, एयूथानेसिया, ठीक है, मतलब इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु को अभी लीगल कर दिया गया है, बताना किस देश ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी है, कानूनी मान्यता दे दी है, बताइए, तो ये करने वाला जर्मनी, आंसर आ गया जर्मनी, जर्मन, देखते हैं, ये है पोर्तुगल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है, जर्मनी तो ऑप्शन भी नहीं था, तो आप लोग जर्मनी क्यों लिख रहे हैं, मन कर गया, ठीक है, चलिए पोर्तुगल है, ठीक है, ये है पोर्तुगल, चलिए देखते हैं, ये है पोर्तुगल जिसने कि अभी लीगल अप्रूवल दे दिया है, तो देखिए इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि जिनको मन चाहेगा वो इच्छा मृत्यु ले सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ क्राइटेरिया सरकार ने रखा है, जिसका भी एज 18 से प्लस है,
दूसरा क्या है, अब ऐसा नहीं कि 19 साल के बंदे बोलेंगे कि नहीं हमको इच्छा मृत्यु चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर कोई इंसान कोई क्रिटिकल बीमारी से जूझ रहा है, या मतलब सोच लीजिए कि वो बहुत ही गंभीर परिस्थिति में, उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उसको बहुत कष्ट है क्योंकि उसको कुछ ऐसी बीमारी हो गई जिसमें उसको बहुत कष्ट है, अब उससे झेला नहीं जा रहा है, उस कंडीशन में यहाँ पर इच्छा मृत्यु का कानूनी लीगल अप्रूवल दे दिया जाता है। ठीक है, ये है आपका इसका मतलब। कौन दिया है? पुर्तगाल। तो ऐसा करने वाला ये पहला देश नहीं है। तो पहला देश कौन था जो कि इच्छा मृत्यु को लागू किया था, बताइए? पहला देश कौन था? पहला देश नीदरलैंड था, पहला देश। ठीक है, पहली बार नीदरलैंड ने किया था, तो ये याद रखिएगा। चलिए पुर्तगाल की बात आ गई, पुर्तगाल की बात आ गई। ठीक है प्रियंका, समझ गए। पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल के कैपिटल क्या है? लिस्बन। ठीक है, पुर्तगाल का कैपिटल क्या है? लिस्बन। और करेंसी क्या है? करेंसी क्या है? यूरो। ठीक है, करेंसी है यूरो। पीएम कौन है पुर्तगाल के? पीएम कौन है? एंटोनियो कोस्टा, याद रखिएगा, एंटोनियो कोस्टा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चलिए बहुत अच्छा, सही जवाब है सबका। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और ये देखिए पीटी से मेंस तक का टेस्ट सीरीज, आपको पहले इसका दाम 299 था, अब ये हटा के, क्योंकि आपके एग्जाम है अभी आने वाले हैं तो इसके लिए आपको छूट दिया जा रहा है, और अभी इसकी कीमत मात्र 49 रुपीज कर दिया गया है। तो लिमिटेड ऑफर है, इसे जल्द से जल्द आप ये एनरोल करें। कहाँ से? NSE ऐप से। और ये देखिए आज का अगला सवाल, आज का अगला सवाल देखिए, कौन सा खिलाड़ी एक कैलेंडर वर्ष में टेस्ट, T20 और IPL में शतक बनाने वाला इतिहास का एकमात्र क्रिकेटर बन गया है? Which player become the only cricketer in history to score a century in test, T20, IPL in a calendar year? Calendar year मतलब एक साल में सेंचुरी बनाने वाला तीनों फॉर्मेट में, टेस्ट, T20 और IPL में, ऐसा करने वाला कौन बन गया है? कौन बन गया ऐसा करने वाला? शुभमन गिल, सपन का आंसर आ गया, एकदम सही है सपन, शुभमन गिल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्रिकेट से सवाल आएंगे तो ऐसे ही, जिनका जिनको भी क्रिकेट बहुत पसंद होगा उनका सवाल आंसर तुरंत आता है। तो ये देखिए शुभमन गिल बन गए। चलिए बहुत अच्छा, बस यहाँ पे यही था, ये इनके बारे में याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, फ्रेंच ओपन। ठीक है, फ्रेंच ओपन आपको पता है कि अगर बात करें तो टोटल ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं? 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टोटल, जिसमें से कि एक फ्रेंच ओपन भी होता है। तो फ्रेंच ओपन ने अनाउंस किया है 12.3% इंक्रीज इन टोटल प्राइस मनी फॉर 2023 एडिशन। व्हाट इज द टोटल प्राइस मनी? फ्रेंच ओपन में ने डिसाइड किया है कि वो अपनी प्राइज मनी, जो जीतता है उसको कुछ प्राइज दिया जाता है, तो वो प्राइज मनी को वो बढ़ाया है। कितना परसेंट से बढ़ाया है? 12.3% से बढ़ाया है। तो कितना अमाउंट है प्राइज मनी, कितना हो गया इसका? जल्दी से, $54.6 million। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, $54.6 million हो गया इसका प्राइज मनी, याद रखिएगा। किसका? फ्रेंच ओपन। तो $2.9 million, और भी तो ग्रैंड स्लैम है, $2.9 million किसका है? विंबलडन का। ठीक है, विंबलडन टाइटल का, विंबलडन ओपन का $2.9 million। $10 million किसका है? $10 million है यूएस का, यूएस ओपन का, जो जीतेगा उसको प्राइज मनी कितना मिलेगा? $10 million। और $76.5 million अब एक ही बचा है, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन का जो प्राइज मनी वो कितना है? $76.5 million। और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता? इस बार हो चुका है ऑस्ट्रेलिया ओपन, स्टार्टिंग में ही हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में मेंस में किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने जीता है। और फीमेल में किसने जीता है? वुमेन में किसने जीता है? बेलारूस की आर्याना सवालेंका ने जीता है वुमेन्स में। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो एक सवाल जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कि विंबलडन यूएस, ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच किस कोर्ट पे खेला जाता है, किस कोर्ट पे खेला जाता है? तो देखिए याद रखिएगा कि यूएस ओपन और आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। ठीक है, ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, और यहाँ पे फ्रेंच ओपन
और एक बचा आपका विंबलडन ओपन। तो विंबलडन आपका ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है और ये आपका क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। फ्रेंच क्ले कोर्ट पे और विंबलडन ग्रास कोर्ट पे और ये दोनों हार्ड कोर्ट पे, तो ये आप भी याद रखिएगा, ठीक है। मनोज, नीतू, विद्या, अनुपम, सही जवाब है सबका। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और ये देखिए आज का अगला सवाल, स्लोवेकिया के पीएम अभी इंटीरियम बने हैं, केयरटेकर मतलब यहाँ इंटीरियम की बात की जा रही है, तो इंटीरियम पीएम की घोषणा की गई है स्लोवाकिया की, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम क्या है, जल्दी से बताइए। चलिए देखते हैं, लूडोविट ओडोर, लूडो आपको पसंद है ना, वैसा ही नाम है इनका, ठीक है। तो आप वहां से भी याद, देखिए ट्रिक से याद कर लीजिए, याद करने से मतलब है, कैसे भी करके आपको याद होना चाहिए बस, ठीक है। लूडोविट ओडोर स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री इंटीरियम तौर पे बनाया गया है लूडोविट ओडोर को, चलिए बहुत अच्छा। तो पीएम तो पढ़ लिया, तो कैपिटल भी पढ़ लिया जाए, तो बताइए कैपिटल, कैपिटल क्या है, ब्रातिस्लावा, ब्रातिस्लावा, ब्रातिस्लावा कैपिटल। और करेंसी क्या है, करेंसी यूरो, करेंसी है यूरो, किसका, स्लोवाकिया का, स्लोवाकिया का, याद रखिए कैपिटल करेंसी, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है गाइस, और जो कंट्री न्यूज़ में रहते हैं ना उससे तो पूछ ही लिया जाता है, थोड़ा जो अजीब रहता है वो तो डेफिनेटली पूछा जाता है, तो एकदम याद करते चलिए। यूएस और यूके का कैपिटल नहीं पूछा जाएगा, ऐसे ही सारे देश का पूछा जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चलिए बहुत अच्छा। तो प्रेसिडेंट कौन है, पीएम के बारे में पढ़ा, तो प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लिया जाए, प्रेसिडेंट कौन है, जुजाना कैपिटुवा, जुजाना कैपिटुवा, ये प्रेसिडेंट है, ठीक है, ये प्रेसिडेंट है, चलिए ठीक है। यहाँ से बात करें रवनीत कौर, ये कौन है, रवनीत कौर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रवनीत कौर। फातिमा असगर, फातिमा असगर, पहला केरला शील्ड अवार्ड, पहला केरला शील्ड अवार्ड दिया गया इनको। विनीत जोशी कौन है, विनीत जोशी चीफ सेक्रेटरी बने हैं मणिपुर राज्य के, मणिपुर राज्य के चीफ सेक्रेटरी बने हैं, तो ये नाम आप याद रखिएगा, विनीत जोशी का नाम, तो यहाँ से ये सवाल इंपॉर्टेंट बनेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। और ये देखिए कौन सा राज्य दूसरा पोजीशन पे पहुंच गया है देश का जीआई टैग प्रोडक्ट्स में, जीआई टैग में दूसरा सबसे बड़ा राज्य बना है, तो बताइए कौन है, बताइए जल्दी से कौन है, ये यूपी, यूपी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यूपी, जिसके करीबन 55 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है, 55 प्रोडक्ट जीआई टैग दिया गया है। तो टॉप पे कौन है, टॉप पे तमिलनाडु, टॉप पे तमिलनाडु, जिसके की करीबन, सॉरी, टॉप पे तमिलनाडु है, तमिलनाडु के 55 जीआई टैग को दिया गया है, और यूपी का 48 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, तमिलनाडु के 55 प्रोडक्ट को दिया गया है और यूपी का 48 को दिया गया है, तो तीसरे पे भी तो कोई होगा, तीसरा पे कर्नाटका जिसके 46 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, तो ये नाम याद रखिएगा, तमिलनाडु, यूपी और कर्नाटका, चलिए ठीक है। तो जीआई टैग पढ़े, जीआई का मतलब क्या होता है, कौन लिखेगा कमेंट बॉक्स में, जीआई का मतलब क्या होता है, जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये कब लाया गया था, जियोग्राफिकल इंडिकेशन कब लाया गया था, 1999 में, 1999 में ये लाया गया था, एक्ट था, लेकिन ये स्टार्ट कब किया गया, 2003 में, 2003 में पहली बार, फर्स्ट टाइम ये 2004 में दिया गया था, किसको, दार्जिलिंग टी, जो कि वेस्ट बंगाल में पहली बार दिया गया था, तो बस इतना सवाल आप याद रखिएगा, आपके लिए काफ़ी होगा यहाँ पे। और आइए चलिए देखते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है आपके लिए कुछ, देखिए गजराज कॉर्प्स, गजराज कॉर्प्स जो इंडियन आर्मी का है, इसने अभी ऑर्गेनाइज किया एक जॉइंट फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज, जिसका नाम है एक्सरसाइज जल राहत, एक्सरसाइज जल राहत, कहाँ पे, हगरामा ब्रिज में किया है, ब्रिज का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मेंशन कर दिया गया है, ठीक है, हगरामा ब्रिज जो कि कहाँ है, मानस रिवर पे है आसाम में,
मानस रिवर आसाम में। तो यहाँ पे मैंने जो भी अंडरलाइन किया ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स से याद रखिए। पूछा जाएगा किस कॉर्प्स के द्वारा, तो गजराज कॉर्प्स के द्वारा, जो इंडियन आर्मी का ही एक कॉर्प्स एक टुकड़ा है और इसने किया है ऑर्गेनाइज जॉइंट फ्लड रिलीफ का, जिसका नाम क्या है, एक्सरसाइज जल राहत। कहाँ पे, किस ब्रिज पे, तो हग्रामा ब्रिज पे। जगह कौन सा रिवर पे, मानस रिवर पे, जो कि कहाँ है, आसाम में। बस इतना याद रखिए, वन लाइनर क्वेश्चन है। और ये देखिए क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है एनएससी ऐप के थ्रू, तो इसे भी परचेस कीजिए। ये देखिए पीएम मोदी जी ने अपॉइंट किया अनिल कुमार जैन को, अनिल कुमार जैन को न्यू चेयरमैन बनाया है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड का। पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने, अनिल कुमार जैन। अनिल कुमार जैन, दो तीन बार पढ़िए याद हो जाएगा। किसको रिप्लेस करके, चलिए रिप्लेस किसको किया आप लिखिए, ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग लिख के रखिएगा कॉपी में किसको रिप्लेस किया इन्होंने, ठीक है। और ये कितने साल के लिए, 5 साल के लिए बने। ये देखिए यूजीसी, यूजीसी का फुल फॉर्म पता है, सीजीएल में पूछा गया था, तो सोचिए यहाँ पे भी आपको याद कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी का ग्रांट कमीशन, इसके द्वारा लॉन्च किया गया एक नया रीडिजाइंड वेबसाइट और पोर्टल, ठीक है, वापस से रीडिजाइन किया गया है ऐसा वेबसाइट और पोर्टल को, जिसका नाम क्या रखा है, उत्साह। एक का नाम उत्साह है, दो पोर्टल लॉन्च किया गया है, एक का नाम तो उत्साह है, दूसरे का नाम है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, दूसरे का नाम है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। तो याद रखिएगा उत्साह का फुल फॉर्म भी है यहाँ पर आपके लिए, देखिए अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रैटेजी एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन, इन हायर एजुकेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ये फुल फॉर्म आप याद रखिए। और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल, ये फैसिलिटी इंस्टीट्यूशन टू गेट एक्सपीरियंस प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स इन द रिक्वायर्ड एरियाज, मतलब इसमें क्या होगा कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा जो भी लोग प्रोफेशनल हैं, मतलब जो हाई रैंक के जो टीचर्स होते हैं उनको और भी ज्यादा ट्रेन किया जाएगा, प्रोफेशनल बनाया जाएगा, तो ये इसका काम होगा। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, पोर्टल लॉन्च किया गया। HPCL ने सेटअप किया है 500 करोड़ का इथेनॉल प्लांट, कहां पे, ऊना में। ऊना कहां है, ऊना कहां पे, हिमाचल प्रदेश, ऊना हिमाचल प्रदेश में, जहां पे किसने, HPCL ने सेटअप किया है 500 करोड़ का इथेनॉल प्लांट को, बस आपको इतना ही याद रखना इसमें। और ये देखिए 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने, जो कि पेरेंट कंपनी है किसकी, पेटीएम की, सवाल यहाँ पे बनेगा पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम बताइए, तो याद रखिएगा 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। तो अभी भावेश गुप्ता को इसका प्रेसिडेंट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया, बस सवाल यही था कि अभी 197 कम्युनिकेशन, जो कि पेटीएम की पेरेंट कंपनी है, इसके अभी कौन बने हैं प्रेसिडेंट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, तो कौन है, भावेश गुप्ता, बस ये याद रखिएगा। और ये देखिए कुछ रेवोल्यूशन चलाए जाते हैं, क्योंकि अभी आपके MTS के एग्ज़ाम चल रहे हैं और CGL के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, CHSL के एग्ज़ाम होंगे, तो ये सवाल हमेशा पूछा जाता है, इवन RRB के भी एग्ज़ाम में ऐसा देखा गया स्टैटिक के सवाल में। तो ये देखिए ब्लैक रिवोल्यूशन चलाया गया था किसके लिए, पेट्रोलियम के लिए चलाया गया था। यहाँ से देखिए ब्लू रेवोल्यूशन फिश के लिए, ब्राउन रेवोल्यूशन किसके लिए, लेदर से रिलेटेड, ठीक है, लेदर से रिलेटेड सामान के लिए ब्राउन रेवोल्यूशन चलाया गया था। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन चलाया गया था जूट प्रोडक्शन से रिलेटेड, जूट से रिलेटेड फाइबर। ये देखिए गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट्स ओवरऑल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड हनी प्रोडक्शन, जितने भी फ्रूट्स होते हैं या जो भी हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए चलाया गया था। ग्रीन की बात करेंगे तो फूड ग्रेन, ग्रे की बात करेंगे तो फर्टिलाइजर, ग्रीन तो बात करेंगे फूड ग्रेन्स, ग्रे तो फर्टिलाइजर। देखिए थोड़ा सा का अंतर के लिए कितना अंतर चेंज हो जाता है। पिंक रेवोल्यूशन ओनियन प्रोडक्शन के लिए फार्मास्यूटिकल इंडिया और प्रॉन प्रोडक्शन के लिए ये किया गया था, क्या चीज़ के लिए, पिंक रेवोल्यूशन। ये देखिए रेड रेवोल्यूशन मीट और टमाटो के लिए, राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो सिल्वर,
फाइबर के लिए कॉटन है, सिल्वर रेवोल्यूशन एग पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क और डेयरी प्रोडक्शन के लिए कराया गया था, येलो की बात करेंगे तो ऑयल से रिलेटेड, ऑयल सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड, एवर ग्रीन रेवोल्यूशन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जब पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है एग्रीकल्चर को उसको एवर ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, और एक लास्ट है आपका रेनबो रेवोल्यूशन, ये चलाया गया था आपका एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, सुगर केन, फिशरी, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, इस सबके लिए रेनबो रेवोल्यूशन, तो ये आप याद रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन हमारा यहीं एंड होता है, फिर मिलते हैं हम लोग कल दिन भर के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, स्टैटिक के पार्ट लेके, तो आज के लिए थैंक यू सो मच।